मैं मनोज तिवारी और बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने तमिल लैंग्वेज में फिल्म करके तो डंका बजाया ही, हिंदी फिल्म भी किया तो पूरे देश में पूरी दुनिया में उसका डंका बजता रहा उनके अभिनय का। ऐसे रजनीकांत सर को आज राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, घोषणा हुई है। इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि रजनीकांत सर को दादा साहब फाल्के मिले। आई एम सो हैप्पी एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द फैंस ऑफ रजनीकांत सर। और मैं अपनी तरफ से, मैं बंगाल में हूं लेकिन जैसे ही मैंने समाचार सुना मैं खुश हो गया। मैं थैंक्स करता हूं इंडियन गवर्नमेंट का, उन जूरी का जिन्होंने रजनीकांत सर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना। मैं समझता हूं कई बार ऐसा होता है जब सम्मान भी सही व्यक्ति के चयन में सम्मानित होता है और आज वही समय है। रजनीकांत सर अभिनय की दुनिया के पूरा एक अध्याय हैं और मैं अपनी तरफ से उनके सभी फैंस को बहुत बधाई देता हूं। रजनीकांत सर को बहुत बधाई। मैं मनोज तिवारी और बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने तमिल लैंग्वेज में फिल्म करके तो डंका बजाया ही, हिंदी फिल्म भी किया तो पूरे देश में पूरी दुनिया में उसका डंका बजता रहा उनके अभिनय का। ऐसे रजनीकांत सर को आज राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, घोषणा हुई है। इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि रजनीकांत सर को दादा साहब फाल्के मिले। आई एम सो हैप्पी एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द फैंस ऑफ रजनीकांत सर। और मैं अपनी तरफ से, मैं बंगाल में हूं लेकिन जैसे ही मैंने समाचार सुना मैं खुश हो गया। मैं थैंक्स करता हूं इंडियन गवर्नमेंट का, उन जूरी का जिन्होंने रजनीकांत सर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना। मैं समझता हूं कई बार ऐसा होता है जब सम्मान भी सही व्यक्ति के चयन में सम्मानित होता है और आज वही समय है। रजनीकांत सर अभिनय की दुनिया के पूरा एक अध्याय हैं और मैं अपनी तरफ से उनके सभी फैंस को बहुत बधाई देता हूं। रजनीकांत सर को बहुत बधाई। मैं मनोज तिवारी और बहुत खुशी की बात है कि हमारे